क्या आप जानते हैं उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। वैसे तो उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन संस्कृत को दूसरी मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है। मोनाल दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। हिमालय की लगभग 8 से 15 हजार फीट की ऊंचाई में पाया जाने वाला यह पक्षी पहले हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जुजराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक महाभारत की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने उत्तराखंड में ही की थी। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 53% भूभाग वनों से आच्छादित है। राज्य वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। 2011 सेंसस के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता 79.63% थी, जबकि देश की औसत साक्षरता 74.04% थी। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। देश की पहली आईटी प्रयोगशाला माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से उत्तराखंड में ही स्थापित की गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पंथनगर में स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसे सन 1960 में स्थापित किया गया था। सैन्य सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत दिया गया था। राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बना टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी डैम की ऊंचाई 261 मीटर है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसे सन 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। कॉर्बेट पार्क लगभग 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित भगवान शिव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में शामिल नदियाँ गंगा और यमुना का उद्गम भी उत्तराखंड में ही है, जिसे हम गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इन नदियों की देवी के रूप में पूजा की जाती है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के 1.5 दशक बाद भी उत्तराखंड में स्थित अनेकों भवनों, परियोजनाओं, नहरों और भूमि सहित कई परिसंपत्तियां ऐसी हैं जिन पर अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण है। राज्य में विधानसभा की 70, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगर आपको उत्तराखंड के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।